नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप मीडिया दरबार देख रहे हैं। आज 29 फरवरी है और दिन शनिवार है। अब आप कहेंगे कि भाई क्या खास है आज के दिन में, तो मैं आपको बता दूं कि खास आज का दिन नहीं, खास आज की तारीख है। जी हां, 29 तारीख। 29 फरवरी में एक खास बात ये तो है ही कि ये तारीख 4 साल में एक बार आती है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आपको बताते हैं कि फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। अब एक चौथाई दिन यानी 6 घंटे का दिन तो हो नहीं सकता, इसलिए 4 साल के 6-6 घंटों को जोड़कर 24 घंटे का एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप वर्ष कहा जाता है और 29 फरवरी को लीप दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं देश दुनिया के इतिहास में 29 फरवरी को दर्ज कुछ घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बताने की। साल 1504, पश्चिम की अपनी चौथी यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस जमैका में फंस गए थे। वहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को चंद्र ग्रहण से डराकर अपने दल के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। साल 1856, रूस और तुर्की के बीच युद्ध विराम। 1896, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्मदिवस। 1904, भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना रुक्मणी देवी अनुडेल का जन्मदिवस। साल 1940, हेती मैकडेनियल ने फिल्म गॉन विद द विंड में अपनी अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अकेडमी पुरस्कार जीता। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकन बनी। 1952 में पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने संबंधित निर्देश पहली बार टाइम्स स्क्वायर के 44वीं स्ट्रीट और ब्रॉडवे में लगाए गए थे। यह दिन भी 29 फरवरी था। साल 2000, भारत सरकार ने सेना व्यय में 28.2% बढ़ोतरी, अधिकतम आय वर्ग के लोगों पर आयकर में वृद्धि और स्थायी सरकारी नौकरियों में कटौती का ऐलान किया था। साल 2004, अकेडमी अवार्ड्स में फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द किंग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11 अवार्ड जीते थे। 2008, विदेशी मीडिया में प्रिंस हैरी की अफगानिस्तान में तैनात की खबर लीक होने के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें तत्काल वहां से वापस बुलाने का फैसला किया था। साल 2008, पाकिस्तान में आत्मघाती बम हमलावर ने पेशावर में कम से कम 44 लोगों की हत्या कर दी और 90 से अधिक घायल हो गए थे। 2012, ब्रिटेन ने सीरिया में अपने राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए उन्हें वापस बुला लिया था। साल 2016, पाकिस्तान में मुमताज कादरी को रावलपिंडी के अड़ियाला जेल में फांसी दे दी गई। कादरी ने पंजाब के उदारवादी गवर्नर सलमान तासीर को 2011 में इस्लामाबाद के एक बाजार में 28 गोलियां दागकर मार दिया था। अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज यानी 29 फरवरी के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों को हर साल जन्मदिन ना मना पाने का मलाल रहता है। उनकी उम्र तो हर साल बढ़ती है लेकिन जन्मदिन 4 साल में एक ही बार मना पाते हैं। तो अगर आज आपका जन्मदिन है तो धूमधाम से मनाएं, क्योंकि यह दिन फिर 4 साल बाद आने वाला है। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।